मॉर्निंग है एवरीवन, टाइम सुबह के 7 और मैं उठ चुका हूँ। बाकी उठ के जा कहाँ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ना एक दुकान पे, बाल बहुत बड़े बड़े हो गए तो बाल कटवाते और देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। बाल कटवा के मिलते, चलो एक बार नए की दुकान पे चलते और फिर मिलते आपको। आया था नए की दुकान पे बाल कटवाने, दुकान अभी तक खुली भी नहीं। कारीगर, अरे कारीगर वारीगर को ना बुला, तो अपना बग बुला ले, बुलाना हो तो दुकान अब खुली नहीं। अभी कह रहा कि सर आसित को चढ़ा बुखार, अब लोग कर लो क्या करो। वैसे तो टाइम लगता है ना, अभी तो 7 बजे उठ का आया फिर भी नहीं कुछ हो रहा, तो क्या कर लो यार। बस क्या कहते हैं, कुछ नहीं कह सकते। 7 बज गए यार, आ रहा तो बता दें। हैं लो जी, बैठ तो गया कुर्सी पर, करता हूँ थोड़ी देर वेट, अगर आता है तो कटवाते हैं वरना फिर चल देंगे। क्योंकि यार मैं किसी और से बाल कटवाना पसंद करते नहीं, और उसको बता रहा बुखार हो रहा, तो कॉल तो करी देखता हूँ आता है नहीं आता। अगर लेट होगा तो थोड़ा सा तो फिर कल वाल में कटवा लेंगे, कोई नहीं 7:15 तो लिए मैं लेट होना नहीं जा रहा, इसलिए बाल तो कट चुके हैं और आगे लुक सही का सही बाल कट के कोई दिक्कत नहीं। बाकी यार ऊपर से मैंने छोटे कराए नहीं, इसलिए नहीं कराए क्योंकि पहले छोटे है तो छोटे करा के क्या फ़ायदा। अब चलते, चलो जल्दी से नहाते और नहा के चलते अपने हॉस्पिटल और देखते क्या चल रहा क्या नहीं। बाकी यार एक काम है, जरूरी काम है, डॉक्टर आकाश की कॉल आई है तो उस काम को कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और तब तक चलो पहले फ्री हो तो उसके बाकी काम बाद में। मैं तैयार हो चुका हूँ और अब चलता हूँ सीधा बंगालियों के ड्रेन में, जहाँ उस दिन गया था वहाँ से लेने बच्चों को और छोड़ने, क्योंकि बड़े पापा को ऑर्डर है कि बच्चे छोड़ के चले जा। अब वैसे लेट हो रहा, कोई नहीं और ज़्यादा लेट होना पड़ेगा, देखिए उनके ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। चलो देखता हूँ पहले बच्चे बच्चे छोड़ता हूँ, उसके बाद ले सर पे और यहीं से ले जाने बच्चे। बाकी आ रहा देवा, ये लड़का आ रहा है, बाकी से ले जाना बेकार ही सब परेशानी करता है, बाकी कोई नहीं। और बाकी ये है डेरा जहाँ से बच्चे ले जाऊँगा, ये आएगा तो आई ये जाएगा ही जाएगा, पर ये मानेगा नहीं, कोई नहीं। बाकी हट बाकी यहाँ सबसे बच्चे लेंगे, वो इकट्ठे ब्रिज इकट्ठे करने लग रहा है, एक दो तो कर ले इकट्ठे, बाकी एक दो को इकट्ठे कर ले और उसके बाद चलेंगे, कोई नहीं सही है यार। चलो करते इकट्ठे देड़ फेड़ करके जल्दी से फिर चलते। बस यही फ़ायदा होता है कि ये देड़ फेड़ करके बच्चे इकट्ठे कर दे और कुछ ना, वरना ढूंढते रहो कहाँ ढूंढो कहाँ नहीं, पर ये ना बोल लो ये देड़ फेड़ कर देते, सही है यार। एक तो नाम ही ऊपर वाले से करें इतना अच्छा कि चलता रहता, कोई नहीं चलो जी। मैं पहुंच गया हॉस्पिटल और अपना देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, अंदर चल के बाकी हो तो सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। स्टाफ वगैरह और पेशेंट वगैरह सब मिलते हैं, मैं आ गया अंदर रूम में, बाकी सब बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। पेशेंट वेटेंट से सबसे मिल लिए और तारिक सर बैठे, सर में दर्द हो रहा है। बता दो सर, सर में दर्द क्यों हो रहा है? सर सात तारीख सर के सर में दर्द हो रहा, कोई नहीं बताऊंगा नहीं। बाकी अभी चलोगे सर? चलो तारीख सर के साथ मार्केट में चलेंगे। नहीं नहीं कपड़े ला रहे हो सर, क्या बात है, गर्मी आ रही है तो तो नहीं नहीं खरीदोगे? पुराने बच नहीं रहे। चलो 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 सर का नुकसान उनसे बच गया। अगर सर खो भी जाते तो आपको क्या फर्क पड़ रहा था? करोड़ों रुपये महीने में छापते हो तो आपको क्या फर्क पड़ता है? निकल चुका हूँ मार्केट के लिए, मेरे साथ में तारिक सर, ये रे हम लोग जाएंगे उमरपुर की तरफ, सॉरी मतलब खानपुर की तरफ, उधर चलते हैं और जाके देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। बाकी मैं भी ATM के बाहर खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे ATM में से निकालने तो रुकते हैं, तो पैसे वैसे निकालते और उसके बाद चलते जी। सफीपुर से मैं फ्री हो चुका हूँ, अब चलते बवाना और कपूरगढ़ खानपुर की ओर, और उसके बाद फिर तारिक सर को छोड़ देंगे शाहपुर और मैं आ जाऊँगा साथ के साथ रिटर्न घर के लिए, क्योंकि मैं आया हूँ आज हाफ डे की छुट्टी लेके। चलो कोई नहीं, फिलहाल मिलते हैं और उसके बाद चलते हैं। बाकी मैं फिर सभी को दिख रहा हूँ, कोई नहीं आपको आना और बाकी सब कवर करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। लो जी सफीपुर और खानपुर से फ्री हो चुके हैं, अब चलते कपूरगढ़ की तरफ और उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं, किधर जाना है, सर को कहाँ छोड़ना है, कैसे करना है, वो सब देख लेंगे। बाकी कपूरगढ़ से फ्री होकर घर की तरफ को चलेंगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो जाएगा और छुट्टी तो ले रखी पर ड्यूटी तो पूरी कर दी मैंने हाफ डे, कोई बात नहीं चलो वो तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब चलते हैं सीधा खान कपूरगढ़ की तरफ। पीछे ये जहाँ खंभे दिखाई दे रहे हैं ना, ये बिजली घर दिखाई दे रहा है, वो खानपुर के मेन रोड पर बिजली घर ही है, सही है यार अपना।
कपूरगढ़ से फ्री हो चुके हूँ और अब चलते हैं सीधा सर को छोड़ने। सर को छोड़ के मिलेंगे घर, घर चल देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं, और उसके बाद ही मिलते हैं आपको। बाकी हो तो सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पीछे आपको दिख रहा हो कपूरगढ़ गाँव, ये कपूरगढ़ गाँव में यहाँ से बिल्कुल फ्री हो गया मैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब चलते हैं और मिलते हैं यार। वैसे शाहपुर बहुत सारे काम है, कोई नहीं काम बाद में करेंगे, फिलहाल चलते हैं। मैं पहुंच गया हूँ घर और अब करते हैं आराम, उसके बाद देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं, जो भी है बाकी जो भी कुछ है वो सब बाद में देखेंगे, फिलहाल आराम करते हैं थोड़ी देर के लिए, चलते हैं ऊपर। मैं नीचे से उठ के सो के आ चुका हूँ, 4 बज गए हैं, बाकी कोई नहीं। और अभी दिखाता हूँ तार आ गई किधर खड़ी, तारा के अकेली ने दादार दोनों एक पत्ता एक पत्ती कैसे फ़ोन देखने वाले। अरे ना खड़ दो देखो क्या ज़बरदस्त तरीके से दार रखे हैं। तारा बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है तो भाई। ए तारा बाबा फोन के साथ फोन बीजे, हाँ बता क्या कह रहा है, है? तारा को देखे ले देख, तारा को क्या कर रही है। ए तारा क्या हो रहा है फोन गया पड़ गया, शांति ढूंढ ले फोन। कहाँ बाबा फोन बाबा फोन ले लिया, ओए ऐसी होगी बब्बा ले ली देख भाई बब्बा फोन ले, फोन रख ले, उन्हें भी ऐसे ही करें। और तू इधर आइए, कल तेना आइसक्रीम गया छीने खाई इससे, कैसे किसी ने खाई तेना आइसक्रीम इससे, इधर आ किसने तेरी खाई थी, अगर आज की बात तेने इससे चीज ले ली ना समझ जा बस। अरे तारा चलो बाय चले आजा वाक आजा। क्या चाहिए चीजी चाहिए ले मुझे पैसे दे लाऊं ये भाई अगर इसका लग गई ना रोहन तेरा तो मोर बनेगा। अरे हाँ मार रहा है वो, मार पकड़ के मार गाल पे मार, भाग के मार, भाग के मार, भाग के मार, भाग के मार, मार दे मार पकड़ के आ जा। अरे मेरे पुल्ले मैं बाइक निकाल ली ये रही, अभी से धुलवा के लाता हूँ, गंदी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे साथ जाएगा रुहान। बाकी एकदम मुझसे पहले डग है, देखता हूँ चल रहा है नहीं चल रहा, अगर चल रहा हो तो उसे धुलवा के लाते, नहीं चल रहा तो वापस आ जाएंगे, अब गंदी बहुत हो गई तो धुलवा लेते हैं। लो जी आ तो गया दुकान पे बाइक धुलवाने के लिए, डग पे मतलब रुहान ये बैठा है यहाँ पे आराम से शांति से, इसे साथ में लेके आऊँ। बाकी बाइक ही खड़ी यार, बस पता नहीं कहाँ वो आ रहा भाई, उसे बोलता हूँ धो देगा अगर टाइम हो तो उसके पास धो देगा, वरना ट्रैक्टर खड़ा देखते क्या होता है क्या नहीं। हो गई बाइक धुलनी स्टार्ट, अब धुल जाएगी जल्दी से ही और फिर चलेंगे। बाकी ये खड़ा रुहान अब ये देख रहा है, जा देख ले जा, अब ये देख रहा है बाइक को कैसे धुलने कैसे नहीं, कितना प्रेशर आ रहा है। हाँ एकदम पानी आ गया, समझ ऐसे आता है सब पानी जब इधर धुलवाने आते हैं, वरना घर पे ना धो ले समरसेबल में, घर में बाबू प्रेशर नहीं होता ना तो अच्छे से धुलनी पड़ती, अब अच्छे धुल जाएगी। क्या कह रहा है सही होगी, हाँ एकदम अब जल्दी से हो जाएगी, साफ अब्जा नहीं हो जाएगी, धूल मिट्टी सब गायब हो जाएगी प्रेशर से। हाँ उधर कहाँ जा रहा है, उधर मज्जा होती है उधर, उधर क्या करेगा चल। अल्लाह की चाची तो एकदम से नहीं होगी, अब प्रेशर का चमत्कार ही का उल्लाकार है, प्रेशर ही तो सब कुछ है, अब प्रेशर लगा तो बिल्कुल साफ होगी। क्या कह रहा है, हाँ हाँ गोल घूम वो उसमें गैर नहीं लगा, घूम के पहिए चल गैर लगाते हैं उसका चल के। अरे दूसरी क्लास में तो आ गए, बता तेरी होली की छुट्टी पड़ गई क्या, पड़ गई कितने दिन की, बहुत सारे दिन की, पूरे 10 दिन की, मारूंगा पकड़ के स्कूल चलेगी, उन्हें कह रहा 10 दिन की छुट्टी पड़ गई होली की। मैं कब तक पड़ी है, मंडे ट्यूजडे वेनसडे तक पड़ी होगी जहाँ तक उम्मीद है, हैं भाई कितने दिन की पड़ी है, 5 दिन की इसे तो ये पता भाई 10 दिन की पड़ी, 10 दिन की कह रहा है, कोई नहीं चलो यार 10 दिन की लेके 50 दिन की पड़ी। अच्छा जी
बढ़िया, चल कोई बात नहीं, पट गए तो अच्छी बात है। बाकी देखो भाई मौसम क्या, व्यू क्या जबरदस्त आ रहा है यहाँ का, खतरनाक। बाइक तो धुल गई भाई, बाइक तो धुल गई, और ये देखो कहाँ बैठा, ये देखो कहाँ जाके बैठा, इसे कहीं और रास्ता ही नहीं पाया बैठने को, वहाँ क्यों बैठा जाके तू है, सारी वजह तेरे पल्ले। बाइक धुलवा के आ चुका हूँ और मैं क्रिकेट मैच देखना, क्रिकेट मैच चले तो थोड़ी देर क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं और उसके बाद चलेंगे घर को, अपना देखेंगे क्या चल रहा है, फिर घर जा क्या नहीं। बाकी इफ्तार की तैयारी होने लगी थी जब मैं आया था, बाकी थोड़ी देर करते टाइम पास, उसके बाद चलेंगे घर। अरे किसी का नहीं फूटने का मुँह, तो टेंशन न ले, मुँह की टेंशन हो रही है, कहता अगर किसी की लगी मुँह फूट जाओगा, नो नहीं पता इसे क्रिकेट का मुँह तो फूटता ही नहीं, लग तो जा पर फूटता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये भट्टे वाला ग्राउंड है, यहाँ पे खेलते हैं, गुड़ की भट्टी चलती है बरसात में, बाकी तो वो खेलते हैं, कोई नहीं खेलने तो, अब बहस चल रही है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मज़ा बांध लिया लड़के ने, दो बॉल पे दो छक्के मार के, सामने वाली टीम ने 40 रन बनाए, इन्हें दो बॉल पे दो छक्के मार दिए, बाकी सही है, जल्दी जीत जाएंगे मैच। बाकी ग्राउंड तो भट्टे बना दिए उन्होंने, बहुत लंबा छोटा ग्राउंड बनाया वहाँ तक उधर, और ये बाकी भट्टे की मीनार सही है यार। चलो अब इनका मैच देख के फिर घर चलेंगे और घर जाके मिलेंगे आपको। ले भाई सोट, मैं आ गया था घर, पापा के साथ जा रहा हूँ कल्लू में, पापा जाना है चलते जी, मैं आ गया पापा के साथ कल्लू में, पापा कराना है पर्चे का थोड़ा सा पेमेंट कर, पेमेंट कोई नहीं, चलो पापा पेमेंट करा लेंगे, जब तक मैं यहाँ खाट पर बैठता हूँ वापस दिखाता हूँ अभी क्या बैठा हूँ मैं, पापा कहाँ बैठा भी दिखाता हूँ। ये बैठा बैग कल्लू में, बाकी ये खड़ी मेरी बाइक, और पापा ये बैठे इनके साथ धर्मवीर ताऊ जी के साथ, तो पापा इधर बैठे और धर्मवीर ताऊ जी इधर बैठे, और अपना पर्ची होगा हिसाब ठंडन वनडे, और पेमेंट वेमेंट जो होगा वो निकाल लेंगे जैसे भी है। तो यार जगह देखो कितनी सारी है स्कूल में, इधर भी और इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब चफेरे को, और इसके तुरंत पीछे की तरफ हमारे खेत स्टार्ट हो जाए, पीछे की तरफ पहले ताऊ जी के, फिर चाचा के, इन सब के, फिर हमारे खेत स्टार्ट हो जाते पूरे पूरे दस दूर तक, फिर तो हमारे खेत चलते, कोई नहीं चलो बाकी इन्हें बैठो हिसाब करने दो, और मैं करता हूँ जब तक थोड़ा वेट, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो जी हो गया हिसाब फाइनल, अब चलते हैं घर, करेंगे टाइम भी 6 बज गए, तो आध घंटे में इफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा, थोड़ी बहुत देर में इफ्तारी करेंगे, 6:30 तक, कोई नहीं, बाकी बस पापा उठ जाएंगे, अब कह रहे चलो तो चलते हैं घर, मिलते हैं घर जाके आप लोगों को। यार जिस दिन छुट्टी कर लिया या कुछ हो रहा हूँ उस दिन तो मजा ही कुछ हो रहा है ज़िंदगी का, सही रहे कोई दिक्कत नहीं, बाकी टेंशन की कोई बात नहीं। मैं आ गया घर और आप भी आ गए, बाकी जो थे सब आ गए, कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया जो होना था, इफ्तार करना था वो करिए हम, बाकी इफ्तारी बननी है, इफ्तारी की तैयारी चल रही है। और ये क्या कर रहे हैं, ब्रेड पकौड़े बना रही, क्या कर रही तू, ऐसे क्या उनसे ब्रेड पकौड़े बना रही भाई तू, चलो कोई नहीं, बाकी अब करते हैं इफ्तारी का इंतजार और इफ्तारी करके मिलते हैं आप लोगों को, क्योंकि अब 6:10 तो हो ही गई, इफ्तारी में 20 मिनट रह रही हैं, कोई नहीं, बाकी आज वैसे काम देख लेते, काम देख लेते घर का, और उसके बाद मिलेंगे इफ्तारी करने के बाद आपको। मैं इफ्तारी करके आ चुका हूँ नीचे, और बाकी कोई दिक्कत नहीं, और अब चलते हैं नमाज़ पढ़ने, बाकी नमाज़ पढ़ के आके करूँगा ब्लॉग एडिटिंग, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी ऐसा करते इस ब्लॉग को ही खत्म करते, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बाय।